नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों से। दोस्तों, नवरात्र में माँ के नौ रूपों की पूजा होती है। माँ का हर स्वरूप बहुत ही ज्यादा तेजस्व से भरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ का एक ऐसा स्वरूप भी है जो सूर्य के समान तेज है? जी हाँ, माँ दुर्गा का चौथा रूप है, माँ कुष्मांडा का, जो कि सूर्य के समान तेजस्वी है। आइए माँ कुष्मांडा के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में आज जानते हैं। देवी कुष्मांडा व उनकी आठ भुजाएं हमें कर्म योगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारे जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा हैं, आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदिप्यमान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप श्री कुष्मांडा है। अपने उदर से अंड यानी ब्रह्मांड को पैदा करने की वजह से इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्र के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। जी हाँ, माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना से शोक दूर होता है, भय दूर होता है, धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ त्रिविध ताप से भक्तों को छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना घर में धन धान्य भी लाती है। कहा जाता है कि देवी कुष्मांडा इस सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंड सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गईं। जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस देवी का निवास सूर्य मंडल के मध्य में है और ये सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी इन हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा रखती हैं। देवी के आठवें हाथ में बिजरंगी यानी कमल फूल के बीज की माला है। ये माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली होती है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार हैं, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक का अंत होता है और आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ को कुम्भड़े की बलि दी जाती है। कुम्भड़े को कुष्मांडा भी कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम जो है वो माँ कुष्मांडा भी पड़ा है। माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में रहती हैं और सूर्यलोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं माँ के पास है, इसीलिए माँ कुष्मांडा में जो कांति है, जो प्रभा है, वो सूर्य के समान दैदिप्यमान है। और कहा जाता है कि दसों दिशाओं में इन्हीं की कांति आलोकित है। ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इससे देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और उनकी पूजा
किस प्रकार की जाती है? जी हाँ, माँ कुष्मांडा की पूजा विधि का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी पूजा अगर सही ढंग से और विधि विधान से ना की जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आपके घर में कोई लंबे वक्त से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल धूप भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। तो ये थी कहानी माँ कुष्मांडा की, उनकी पूजा विधि की, उनके पूजा विधि के विधान की, किस तरीके से उनकी पूजा की जाती है और कैसे कैसे फल भक्तों को मिलते हैं। जी हाँ, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप आगे हमसे किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही आज के लिए धन्यवाद।